व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गौरव, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव गुरु। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सब लोगों को सॉरी, क्योंकि मैं 2 महीने से बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाया था। थोड़ा मेरी परिस्थिति ख़राब हो रखी थी, तो इस वजह से मैं इसके चलते मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाया, और आज मैं ब्लॉग बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ। और गाइस, आज है तारीख 28 फरवरी, और कल को है गाइस महाशिवरात्रि का त्यौहार। तो अभी जो हम कहीं जा रहे हैं, मेरे साथ हैं आज हमेशा की तरह अपने बड़े भाई MBD ब्लॉग्स। हेलो गाइस। और चंदू भाई, आज हम कहाँ जा रहे हैं बताइए हमारे दर्शकों को। आज हम जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पुण्य का काम होता है, आपको जैसा कि पता है कल को है महाशिवरात्रि का पावन पर्व, और हम जा रहे हैं भोलों की सेवा करने, भोलों के लिए भोलों से अपने को आशीर्वाद लेने। हाँ, जो दोनों काम करने हैं। हाँ, दोनों काम करने। और चंदू भाई, आपकी जो वाटर वाला मूवी आई थी, शॉर्ट मूवी, उसकी सक्सेस के लिए आपको बहुत बधाई है। धन्यवाद। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, चंदू भाई की जो वाटर वाली मूवी है वो हमारे स्टेट उत्तराखंड पे, पूरे स्टेट लेवल पे चल रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी जो एक मैसेजेबल मूवी है, और आप जरूर देखिएगा उसे जाके। उसको अपनी ट्रेनिंगों में चला रही है। और गाइस, आज हमारा सीन ऐसा है, अभी हम जा रहे हैं बाजार, जाते हैं अभी फल वल लेते हैं, और हम जाएंगे आज सीधे गुलरक्षेत्र मंदिर। गुलरक्षेत्र मंदिर के बारे में आपको सब कुछ पता है, पहले वाले ब्लॉग में आप देख चुके हैं गुलरक्षेत्र वाले मंदिर में। आई बटन पे लिंक छोड़ देना। और गाइस, अभी हो रहा है टाइम 5:32। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपने पंडाल में। पंडाल हमारा गुलरक्षेत्र मंदिर में लगा है, बाल सुंदरी के नाम से जो मंदिर है। और देखिए, यहाँ सारे कांवड़िए कैसे लगे पड़े, सब थक रखे हैं, बाबा की यात्रा करके आ रखे हैं, हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेके आ रखे हैं। और ये मेरे चाचा हैं, और ये चंदू भाई, देखिए बांटने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, सब में जोश अभी तक बना हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा है, कोई 6-7 दिन से चलते हुए ये चल रखे हैं, और मतलब सबके अंदर जोश अभी तक ऐसा बना हुआ है जैसे बिल्कुल फ्रेश होंगे सब। तो गाइज़, अभी हमने सारे भोलों को फल वितरित कर दिए हैं, और आप यकीन मानिए फल
वितरित करके ऐसा मन को सुकून मिल रहा है ना, हम आपको बता नहीं सकते। चंदू भाई कैसा लगा आपको पहली बार हमने भोलों की सेवा करी आज फल वितरित किए? बहुत ही पुण्य का काम है और हम बहुत भाग्यशाली हैं गौरव भाई और मैं कि हमें महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हरिद्वार से पैदल कांवड़ यात्रा लेके आए हैं, बहुत ही मन को एक बहुत अच्छी शांति मिल रही है। और अभी भी चंदू भाई उनके अंदर जो उत्साह है, अभी भी देखिए अभी जबकि उन्होंने अभी पूरी रात अर्ली मॉर्निंग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के भोले को जल चढ़ाएंगे सुबह 4 बजे। तो गाइज हैट्स ऑफ है इनकी श्रद्धा को, इनके जज्बे को और सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन महाशिवरात्रि होनी है बिल्कुल। और गाइज ये वही परिसर है जो आपको मैंने गुरु मंदिर वाले ब्लॉग में दिखाया था और कल आप यहाँ पे देखेंगे, कल शायद चंदू भाई ब्लॉग बनाएंगे, अभी पता नहीं। अगर कल चंदू भाई ब्लॉग बनाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो गाइज इसके साथ ही ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और क्या करें चंदू भाई, भर भर के शेयर कर दें, कट्टे भर भर के शेयर करें। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।